शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में एक रेल हादसा हुआ जिसमें 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मौजूदा समय में जहां एक तरफ घायलों के उपचार को लेकर और साथ में जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके संबंधियों से संपर्क कर इन लोगों की के जो शव हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे का जोर है कि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कारण थे जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। मौजूदा समय में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो इसके पीछे का कारण हो सकती हैं, और पहली परिस्थिति है कि एक शॉर्टकट जो कि शायद वहाँ काम कर रहे लोगों द्वारा अपनाया गया हो। क्या ये शॉर्टकट है और क्या थ्योरी है? अगर हम बात करें इस घटना की, ये कोरमंडल एक्सप्रेस है जो इस चेन्नई की तरफ से आ रही है, ये अपलाइन है और ये डाउनलाइन है। अपलाइन की अगर बात करें तो ये वो पॉइंट है जहां कहें कि जिस पॉइंट की वजह से अब माना जा रहा है कि हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि यहां पर ट्रेन को एक ग्रीन सिग्नल दिया गया, इस लाइन पर जाने के लिए, लेकिन ट्रेन इस लाइन पर जाने की बजाय लूप लाइन पर चली गई और जो पॉइंट था वो कुछ इस डायरेक्शन में सेट था कि ट्रेन को इस लाइन पर भेज दिया गया। मौजूदा समय में जहां सिग्नलिंग प्रणाली की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की हो या इसमें कोई कहें कि तकनीकी खामी रही हो तो ये मुमकिन है। पहली जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं उस शॉर्टकट की तरफ इशारा करती है जो शायद वहाँ काम कर रहे लोगों ने अपनाया हो। बताया जा रहा है कि यहाँ पास में LC गेट है जहाँ पर कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। उसी समय शायद बूम को चेंज करने के लिए, बैरियर को चेंज करने के लिए सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई हो, सिग्नलिंग सिस्टम के इस फ्लो को बंद किया गया हो और उस समय गलती से कुछ ऐसा हो गया हो किसी सर्किट में, या कहें कि केबल से कुछ इस तरह की छेड़छाड़ी हो गई हो कि ये जो पॉइंट है ये दूसरी लाइन में सेट हो गया हो। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद अगर शॉर्टकट अपनाया जाए तो ये मुमकिन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस से ही मुमकिन है। पहली थ्योरी है जो कि बात करती है उस शॉर्टकट की जो कि नहीं अपनाया जाना चाहिए था और इस केस में अपनाया गया। आम दिनों में आमतौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी अगर मरम्मत का काम रेलवे में किया जाता है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है। किसी ऑपरेशन लाइन के आसपास अगर कोई काम किया जा रहा है तो तमाम तरीके के ब्लॉक और तमाम तरीके के कहें कि परमिशन हैं जो कि न सिर्फ स्टेशन स्टाफ बल्कि कई बार डिवीजन से भी आती हैं। लेकिन मौजूदा समय में कहा जा रहा है कि जो रिपेयर वर्क था शायद उसके लिए जिस चीज़ की परमिशन ली गई उसके अलावा भी काम किया गया और शॉर्टकट अपनाया गया जिसकी वजह से सिग्नलिंग में और खासकर इंटरलॉकिंग में कोई दिक्कत आ गई और रेल हादसा हो गया। दूसरी जो परिस्थिति है वो जानबूझकर की गई छेड़खानी की ओर इशारा करती है। दरअसल मौजूदा समय में जब हम सिग्नल की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी और लाइन के लिए सिग्नल दिया गया हो और पॉइंट किसी और लाइन के लिए सेट किया गया हो, क्योंकि स्टेशन मास्टर यहाँ तक कि स्टेशन स्टाफ के पास एक पूरा पैनल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कौन सी लाइन खाली है, कौन सी लाइन के लिए सिग्नल दिया जा सकता है। साथ ही जहाँ हम सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नलिंग ग्रीन और रेड सिग्नल देने से पहले कई शर्तें होती हैं जिनका कई लॉजिक, यहाँ तक कहें कि कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात करें तो उस जुबान में कहें कि कई लॉजिक होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है, जिनको पूरा करना होता है और उसके बाद ही आप कहें कि ग्रीन या रेड सिग्नल दे सकते हैं। जहाँ तक जानबूझकर की गई छेड़छाड़ी की बात है तो ऐसा हो सकता है कि रेलवे स्टाफ या तो रेलवे स्टाफ में से कोई या कोई बाहरी व्यक्ति ने इस सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़खानी की हो और उसके बाद ये हादसा हो गया हो। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि रिपेयर वर्क के विषय में स्टेशन मास्टर और स्टेशन स्टाफ को पता हो लेकिन जिन चीज़ की इजाज़त दी गई है उसके विपरीत जाकर सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई हो और उसकी वजह से यह हादसा हो गया हो। यह दूसरी थ्योरी है जिसमें कहा जा रहा है कि जानबूझकर किसी ने सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़खानी की जिसकी वजह से पॉइंट गलत डायरेक्शन में सेट हुआ और रेल हादसा हो गया। तीसरी थ्योरी या कहें कि तीसरी परिस्थिति यहाँ पर सिस्टम फ्लॉ की बात करती है, किसी तकनीकी खामी की ओर इशारा करती है। ऐसा मुमकिन है कि शायद सिस्टम में कोई तकनीकी खामी रही हो जिसकी वजह से आम दिनों में या आम तौर पर जो चीज़ मुमकिन नहीं है वो इस दिन मुमकिन थी, यानी किसी और लाइन का सिग्नल और किसी और लाइन पर पॉइंट सेट। लेकिन मौजूदा समय में
तकनीकी खामी की जो बात है वो उस लेटर से भी ज़्यादा पक्की हो जाती है, जिसमें फरवरी महीने में है एक ऐसा ही कहें कि हादसा रोक लिया गया, लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगाए जिसके बाद वो हादसा रुक गया। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के ऑपरेशन मैनेजर हैं उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस तकनीकी खामी का जिक्र किया। बताया ये भी जा रहा है कि उसमें भी ह्यूमन इंटरफेरेंस था, यानी कि किसी व्यक्ति ने गलती से वो कर दिया था उसकी वजह से हुआ। लेकिन तकनीकी खामी की जहाँ तक बात करते हैं तो ये मुमकिन है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी समय फेल हो सकता है, किसी भी तरह की तकनीकी खामी आ सकती है। और विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि फेल प्रूफ सिस्टम बेशक है लेकिन तकनीकी खामी की गुंजाइश इसमें भी है। मौजूदा समय में रेल अधिकारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि CBI इंक्वायरी से पहले या कहें कि CRS इंक्वायरी या नोट से पहले कुछ भी कहना इस मामले में कहें कि बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन सभी लोग उस जांच का ही कहें कि इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ होगी कि आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ। मौजूदा समय की अगर बात करें तो एक तरफ CRS इंक्वायरी और दूसरी तरफ CBI इंक्वायरी चल रही है। रेलवे के जो स्टाफ हैं, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ तक कि स्टेशन के जो तमाम लोग हैं, उन सब के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उन सब से उनके डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटल प्रूफ जो होते हैं वो लिए जा रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो CRS हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि वाकई इस मामले में क्या हुआ, क्या सिग्नलिंग और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की इसमें गलती थी, क्या रेलवे का कोई कहें कि व्यक्ति, कोई कर्मी इसमें शामिल था, अगर नहीं तो क्या बाहर से कोई व्यक्ति आया, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आया तो उसकी क्या मंशा रही, ये सब सवाल हैं। और अगर ये नहीं तो क्या ये तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से 270 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं, साथ ही हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं।